Hello friends, welcome all of you in this tutorial series. So in our previous video we discussed about the morphological transformation. मैंने आपको काफी अच्छे से क्लियर करा दिया था कि morphological transformation क्या होता है, उसको आपको use क्यों करना चाहिए और उसके different different types कौन-कौन से होते हैं, like erosion, dilation, opening, closing, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ इन अवर प्रीवियस वीडियो। आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों ने उसे कम्प्लीटली देख लिया होगा और सीख लिया होगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए उसी की तरह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है स्मूदनिंग, इमेज स्मूदनिंग या फिर आप उसे इमेज ब्लरिंग के नाम से भी जानते हो। और ये कॉन्सेप्ट हमारी इमेज प्रोसेसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा रोल प्ले करता है। तो आज की वीडियो में हम इमेज स्मूदनिंग के रिलेटेड सारे टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं और ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल कैसे है, ये सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी आईडीई के पास। बट उससे पहले आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो सो गाइस, दिस इज माय आईडी स्पाइडर और यहाँ पे मैंने कुछ थ्योरी लिख रखी है क्योंकि मैं आपको सबसे पहले ये समझाऊंगा कि ये इमेज स्मूदनिंग या फिर इमेज ब्लरिंग होता क्या है, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सबसे ज्यादा और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी इमेज प्रोसेसिंग का, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इसका यूज हम अपनी इमेज की नॉइज रिमूव करने के लिए करते हैं और अपनी इमेज को इनहेंस करने के लिए करते हैं। इसके बाद बहुत सारे फिल्टर्स हैं, अभी आपके कोई इमेज फिल्टर्स नहीं है लाइक जो आप अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे यूज करते हैं गाइस, बट ये फिल्टर उससे भी काफी अच्छे हैं। इससे आप अपनी इमेज को क्लियर कर सकते हो, डिस्टॉर्टेड इमेज को काफी अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकते हो। मतलब अगर आपकी कोई एक बेकार सी इमेज है जिसमें बहुत सारा नॉइज होता है और आप उसे एकदम क्लियर कर सकते हो, हाई लेवल पे, अच्छे लेवल पे इनहेंस कर सकते हो और काफी अच्छे वे में उसे प्रेजेंट कर सकते हो। तो यार ये सारी की सारी चीजें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और वो जो फिल्टर्स है आपके, वो आपके दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक है आपका लो पास फिल्टर और एक है आपका हाई पास फिल्टर। तो जो नॉइज रिमूवल के लिए यूज होता है वो आपके लो पास फिल्टर है और जो आपके एज डिटेक्शन में यूज होता है वो आपके हाई पास फिल्टर है। तो आज हमें पढ़ने हैं लो पास फिल्टर क्योंकि आज हम पढ़ेंगे नॉइज रिडक्शन के बारे में। और जो फिल्टर है उनका नाम है होमोजीनियस फिल्टर, ब्लर या फिर एवरेजिंग आप बोल सकते हो, ये दोनों नाम सेम है, गॉसियन, मीडियन एंड बायलैटरल। तो इतने सारे फिल्टर्स के बारे में हमें पढ़ना है, इनको कंपेयर करना है और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि हम इसे इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, ये मेरा एक डमी कोड है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो डमी में इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज इस कोड को मैं हर वीडियो में यूज करता हूं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो सिंपली मैंने एक इमेज को रीड कराया है, उसे रिसाइज कराया क्योंकि वो बहुत बड़ी थी, उसे आप लोगों को शो कराया है। तो चलो पहले मैं दिखा देता हूं कि किस इमेज पे मैं काम करने वाला हूं। तो देखो मैंने इसे ऑपरेट कराया दोस्तों और यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत अच्छी सी इमेज दिख रही है। बेसिकली मैं काफी सारी इमेजेस आप लोगों को यहाँ पर ऑपरेट करके दिखाऊंगा बट अभी के लिए आप इसे ऑब्जर्व करो। इस इमेज को अगर आप देखोगे तो इसमें काफी ज्यादा नॉइज है, आप लोग देखो तो इसके पिक्सल काफी डिस्टॉर्टेड है। इस इमेज को मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहला फिल्टर देखते हैं कि हम सबसे पहला फिल्टर कौन सा पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं इसे बंद कर देता हूं। सो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला फिल्टर है वो है हमारा होमोजीनियस फिल्टर। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं उसके भी रिलेटेड मैंने थ्योरी लिख रखी है, ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी गाइस। और थ्योरी लिखने का मोटिव यही है कि मैं आपको चीजें काफी अच्छे से समझा सकूं, तो इस फाइल को प्लीज डाउनलोड कर लेना और ऑब्जर्व करना। फंक्शन सिर्फ आपका एक लाइन का ही है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो फंक्शन है आपका सिर्फ एक लाइन का है, बट इस फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं या फिर ये वर्क कैसे कर रहा है, अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ गई तो आपको एक प्रोफेशनल लेवल की नॉलेज हो जाएगी कि इमेज प्रोसेसिंग में एक्चुअल में बैकग्राउंड में चलता क्या है, इसके पीछे की मैथमेटिकल अप्रोच क्या है। तो यार अगर आप लोगों को अच्छे लेवल पे सीखना है तो यार प्लीज थ्योरी को अच्छे से पढ़ो, मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिख रखी है आप ही लोगों के लिए। तो देखो जो आपका फिल्टर नंबर वन है इसे हम कहते हैं होमोजीनियस फिल्टर या फिर आप इसे सिंपली 2D कोल्यूशन मैट्रिक्स भी कह सकते हो। तो ये दो इसके नाम है, बेसिकली मैं इसे होमोजीनियस फिल्टर कहूंगा। ये वर्क कैसे करता है दोस्तों, पहले तो हम ये देखते हैं। तो ये दिस फिल्टर वर्क लाइक ईच आउटपुट पिक्सल इन द इज द मीन ऑफ इट्स कर्नल नेबर। ये बोल रहा है कि एक कर्नल होता है, कर्नल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि जो आपका कर्नल होता है एक सिंपल सी मैट्रिक्स होती है जो कि आप लोग बनाते हो और वो मैट्रिक्स आप अपने इमेज के साथ मैच कराते हो और वो मैट्रिक्स आप लोगों की हेल्प करती है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और आपके रिजल्ट को अचीव करने में। जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वंस का एक एरे बनाया है और एरे बनाने के बाद जो मैंने इसका टाइप है वो फ्लोट दिया है और लास्ट में से 25 से डिवाइड भी कर दिया। तो यार इतना सब कुछ क्यों करा है, बेसिकली ये जो कर्नल है ये सिंपल फॉर्मूला है, इसी टाइप का कर्नल हमें यहाँ पर पास करना रहता है इन माई टू डी फिल्टर जिसे आप होमोजीनियस भी कहते हो। इसकी वर्किंग ही यही है, यहाँ पर लिखा है देखो, कर्नल इज अ स्मॉल शेप और मैट्रिक्स विच वी अप्लाई ऑन इमेजेस।
तो जिसमें इसके अंदर जो भी एक इमेज है, इस इमेज को मैं अपने मैट्रिक्स को, पूरे के पूरे मैट्रिक्स को अपनी इमेज के साथ अप्लाई करता हूँ, और वो उसे चेक करके बताती है कि मुझे इसकी ब्लरिंग कैसे परफॉर्म करानी है। तो जब मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा गाइस, तब आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस आपको कर्नल के बारे में ये जानना है कि ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कि आपकी हेल्प करती है आपके रिजल्ट को अचीव करने के लिए। और इसे बनाने का सबसे सिंपल फिल्टर है कि जितनी भी इसकी हाइट और विड्थ होगी, ये देखोगे ये क्या है, ये हाइट है, मतलब रोज और कॉलम होंगे उतने से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 25 जो 25, अगर मैं यहाँ पर 10 लेता तो 10 जो 100 से मुझे डिवाइड करना पड़ता, मींस 1/1 में नंबर ऑफ, आप बोल सकते हो रो इनटू कॉलम, हाइट इनटू विड्थ, ये इसका फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पर भी लिखा है अगर आप लोग देखोगे तो। 1/1 में कर्नल, कर्नल आपने जो बनाया है एनपी डॉट वंस, उसके बाद टोटल मल्टीप्लाइड बाय हाइट अपॉन विड्थ, हाइट इनटू विड्थ से आप इसे क्या करोगे, सिंपल मल्टीप्लाई करोगे। तो ये इसका सिंपल फॉर्मूला है, बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो भी चलता है मेनली अपने कर्नल पे डिपेंड होकर चलता है। तो जो आपका हाई पास फिल्टर है या फिर आप बोल सकते हो उसे होमोजीनियस फिल्टर, इसका जो नाम है फंक्शन का वो क्या है, cv2.filter2d। इसमें आप अपनी इमेज पास करोगे, ये आपका -1 एक डेप्थ है, आप इसे -1 या -2 कुछ भी ले सकते हो गाइस, बट अभी के लिए मैंने यहाँ पर -1 ले रखा है। और जो कर्नल आपने बनाया आप उस कर्नल को पास करोगे। तो मैं इसे आप लोगों को ऑपरेट करके दिखाता हूँ और फिर आप इसे कंपेयर करना कि यार एक्चुअल में आपका आउटपुट क्या आया है। तो देखो मैंने इसे ऑपरेट कराया गाइस, और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये आपकी ओरिजिनल इमेज है, ये वाली जो इमेज है आपकी, ये ओरिजिनल इमेज है, और इसके बाद ये आई है आपकी होमोजीनियस वाली जो आपने फिल्ट्रेशन के बाद बनाई है। तो देखो कितना नॉइज रिमूव हुआ है, इसमें नॉइज देख सकते हो आप और इसमें नॉइज देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि नॉइज का रिडक्शन रेट क्या है, आपने अपनी इमेज को कितना एनहेंस करा विद द हेल्प ऑफ होमोजीनियस फिल्टर। आई होप आप लोगों को अब चीजें समझ में आ रही होंगी गाइस। ये जो पूरा की पूरी चीज है ये फिक्स है, आपको इसके बैकग्राउंड की मैथमेटिक्स जानने के लिए कोई एफर्ट नहीं करने, आपको बस ये सीखना है कि कौन से पैरामीटर और किस एज में, मैंने यहाँ पर 5/5 ही क्यों लिया, मैं ज्यादा क्यों नहीं ले सकता था या कम क्यों नहीं ले सकता था। तो चलो देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर 2x2 ले लेता हूँ तो देखते हैं क्या आएगा मेरा आउटपुट, और अगर मैं यहाँ पर 2x2 लूंगा तो नॉर्मली मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। तो एक बार इसे और ऑपरेट करके देखते हैं कि आउटपुट में क्या आएगा। सो गाइस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जब 2x2 का मैंने यहाँ पर कर्नल पास करा तो मेरे चेंजेस ज्यादा अच्छे से अपेयर नहीं हुए हैं। तो आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा दोस्तों कि कौन से कर्नल की वैल्यू और या फिर कितने बाय कितने की मैट्रिक्स आपकी काफी अच्छी तरीके से एक्ट कर रही है। लाइक अगर मैं यहाँ पर 10x10 पास कर देता हूँ तो क्या होगा, मतलब कम, ज्यादा कम भी नहीं पास कर सकते और आप ज्यादा मैक्सिमम वैल्यूज भी पास नहीं कर सकते हो। तो चलो इसे ऑपरेट कराया तो अब आप देखोगे तो कुछ ज्यादा ही ब्लर हो गई है, आपकी जो इमेज है कुछ ज्यादा ही ब्लर हो गई है। ये क्या करता है, जो भी इसके नेबर्स पिक्सल होते हैं उसकी मीन वैल्यू निकाल के उन्हें आपके पिक्सल से रिप्लेस कर देता है, ये इसकी बैकग्राउंड वर्किंग है। तो पिक्सल वैल्यू आपको कर्नल की उतनी ही रखनी है मैट्रिक्स जितने की वो एक्सेप्टेबल हो, लाइक 5/5 या फिर 6/6 जितने की आओ एक्सेप्टेबल हो वहां पर। तो चलो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ 5/5 और यहाँ पर 25 में लिख दूंगा, तो देखो मेरा रिजल्ट कितना प्रॉपर आ रहा है। आई होप यार आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2D फिल्टर क्या होता है। फिल्टर में आपके जितने भी पिक्सल वैल्यूज होते हैं वो इक्वल वेट कंट्रीब्यूट करते हैं। तो देखो थ्योरी में मैंने सब कुछ लिखा है, आप बस यहाँ पर इसकी वर्किंग समझो। इसके बाद जो फिल्टर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है ब्लर, BLUR, या फिर आप उसे एवरेजिंग भी बोलते हो। तो देखो ब्लर या एवरेजिंग आप कुछ भी बोल सकते हो, इसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो ब्लर मेथड और एवरेजिंग काम कैसे करता है, टेक द एवरेज ऑफ ऑल द पिक्सल अंडर द कर्नल एरिया एंड रिप्लेस द सेंट्रल एलिमेंट विद दिस एवरेज। तो यहाँ क्या बताया था मैंने कि ये नेबर्स के मीन से चलता है और इक्वल वेट कंट्रीब्यूट करता है, बट ये क्या करता है कि जितने भी आपके पिक्सल्स हैं कर्नल के अंडर आते हैं जो भी, उन्हें उसके सेंट्रल एलिमेंट से रिप्लेस कर देगा एवरेज निकालने के बाद। तो यही चीज यहाँ पर लिखी है गाइस, और इसी तरीके से आपका जो ब्लर मेथड है काम करता है। इसमें मैंने कर्नल अब कौन सा दिया है, 8x8 का, यहाँ पर जो मैंने पास करा है ये क्या है आपका कर्नल है। मैंने इसमें दो पैरामीटर पास करे हैं, एक आपका इमेज पास करा है और दूसरा मैंने सिंपल आपका कर्नल वैल्यू पास करी है। आप कर्नल इस वे में भी पास कर सकते हो, बट यहाँ पर अगर आप कर्नल पास करोगे ब्लर मेथड में तो आपको इस वे में करना पड़ेगा। आपने उसे बता दिया कि जो आपका कर्नल है वो 8x8 का मैट्रिक्स है। तो चलो देखते हैं कि अब इसमें आउटपुट में डिफरेंस क्या आया है, मैं तीनों का आउटपुट आप लोगों को शो कराता हूं। तो अगर अब आप लोग देखोगे गाइस तो ये आपकी ओरिजिनल इमेज है, ये आपकी होमोजीनियस इमेज है और ये आपकी ब्लर्ड इमेज है। तो देखो तीनों ये वाले दोनों डिफरेंट मेथड है, दोनों के आउटपुट आप देख सकते हो कितना वेरी कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो अपनी मैट्रिक्स को भी एक बार चेंज करके देख लो, लाइक ये वाली जो 8x8 थी इसे अगर मैं 5x5 कर देता हूं तो मेरा आउटपुट क्या आएगा। चेंजेस कर करके गाइस आप चीजों को काफी अच्छी वे में समझ सकते हो। तो चलो मैं देखते हैं, ये मेरा ओरिजिनल इमेज आ गया, ये मेरा होमोजीनियस आ गया और ये मेरा ब्लर्ड आ गया। तो अब अगर आप देखोगे तो देखो थोड़ा सा चेंजेस आया है, मतलब ये वाला अगर आप वैल्यू ऑब्जर्व करोगे तो इससे
होमोजीनियस वाले से ज्यादा बेटर है आपके ब्लर्ड वाले पिक्सल। अभी आप लोगों को मे बी स्क्रीन पे अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट जब आप इसे खुद से ऑब्जर्व करोगे तो आप लोगों को डिफरेंस साफ दिखेगा कि होमोजीनियस से बेटर रिजल्ट है आपके ब्लर के। बट कभी कभी होता है ऐसा, ओके, लाइक नॉइस किस टाइप की है इस पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि जरूरी है कि आपका ब्लर वाला ज्यादा अच्छा एक्ट कर रहा है और होमोजीनियस वाला कम अच्छा एक्ट कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ये डिपेंड करता है कि नॉइस कैसी है और उस टाइम पे आपकी इमेज की रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, तो इसके बाद देखते हैं कि आपके दो फिल्टर के बाद आता है आपका गॉसियन ब्लर फिल्टर। अब ये जो गॉसियन ब्लर फिल्टर है ये आपका थोड़ा सा एडवांस फिल्टर है, इसकी वर्किंग थोड़ी सी अलग होगी इन दोनों से, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गॉसियन ब्लर फिल्टर वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर मैंने थ्योरी लिख रखी है, देखो गॉसियन ब्लर फिल्टर जो है आपका हेयर इट यूज डिफरेंट वेट कर्नल, मतलब कि ये आपका जो कर्नल यूज करता है उसका वेट बहुत डिफरेंस होता है एक दूसरे से। मतलब कि अगर मैं पूरी एक मेट्रिक्स की बात करूं, जो भी आपने कर्नल बनाया है 5x5 की एक मेट्रिक्स बनाई है, तो उसमें जो आपकी वैल्यूज होंगी वो कैसी होंगी, साइड साइड में जो वैल्यूज होंगी वो स्मॉलर वैल्यूज होंगी और जो मिडल में वैल्यू होगी वो लार्जर वैल्यू होगी। तो देखो यहाँ पर लिखा है मींस साइड वैल्यूज आर स्मॉलर देन सेंटर वैल्यू, इट मैनेज द डिस्टेंस बिटवीन वैल्यूज ऑफ पिक्सल्स। मतलब जो भी आपका एक कर्नल बनाया है, आप एक इमेज की तरह, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाऊं, इस तरह की मेट्रिक्स होती है आपका कर्नल। अब इस तरह की मेट्रिक्स में जो आपका गॉसियन फिल्टर है वो क्या करता है, साइड साइड की जो ये आपकी बाउंड्री दिख रही है यहाँ पे आपके स्मॉलर पिक्सल रखता है और मिड जो सेंटर है वहां पर आपके हाई लेवल पिक्सल रखता है। तो आपका जो गॉसियन ब्लर है कुछ इस तरीके से काम करता है, बनेगी वो 5x5 की ही मैट्रिक्स, बट जो वर्किंग करेगी तो जो बीच में वैल्यूज होंगी उनकी वो ज्यादा बड़ी होंगी एज कम्पेयर टू साइड वैल्यूज। तो चलो इसे भी ऑपरेट करके आप ऑब्जर्व करते हैं कि इसके पास रिजल्ट्स कैसे आते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पहला पैरामीटर है आपका इमेज, दूसरा है आपका कर्नल और तीसरा है आपका सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स का मतलब एक कलर वैल्यू से है गाइस कि उसके उसके बीच में कि जो पिक्सल की स्पेसिंग है वो कैसी है। तो अभी के लिए मैंने 0 पास कर रही है कर रखी है, आप इसे बढ़ा भी सकते हो, इट्स अप टू यू गाइस। तो देखो मैंने इसे ऑपरेट करा दिया गाइस और अब ये जो इमेज आ रही है ये गॉसियन ब्लर की है। ये वाली अगर आपको जो लास्ट वाली जो इमेज दिख रही है ये आपकी किसकी है, गॉसियन ब्लर की इमेज है। तो अब आप तीनों में डिफरेंस देखो तो ये वाला ज्यादा बेटर है, अगर आप आईज की एजेस देखोगे या फिर कलर देखोगे तो वो ज्यादा शार्प है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है गाइस। मैं एक काम करता हूँ, इस इमेजेस को थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ क्योंकि पूरी स्क्रीन पर ये फिट नहीं आ रही है, तो मैं इसे 400x400 से 300x300 कर लेता हूँ, सो दैट हम लोग अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व कर सके। तो आपने गॉसियन ब्लर भी देख लिया है, इसके बाद दो और बचे हैं, मैं उन्हें भी पढ़ाकर फिर सबको एक साथ कंपेयर कराऊंगा। इसके बाद जो आता है गाइस उसका नाम है मीडियन ब्लर। मीडियन ब्लर सबसे बेटर है बट वो सेलेक्टेड टाइप की नॉइस पे काम करता है, लाइक सॉल्ट एंड पेपर नॉइस। अब आप बोलोगे सॉल्ट एंड पेपर नॉइस क्या होता है, सो गाइस अगर आपने देखा होगा, बेसिकली मैंने प्रीवियस भी इमेजेस आपको दिखाई थी या फिर मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसके बाद भी, तो उन इमेजेस में क्या होता है, जैसे कि अभी आपकी यही वाली इमेज में से एक बार ऑपरेट करके दिखा देता हूँ, ये है हमारा मीडियन फिल्टर। मैं अभी आपको फंक्शन समझा दूंगा बट पहले आप इसे देखिए। सो अगर आपको सॉल्ट एंड पेपर नॉइस देखनी है कि सॉल्ट एंड पेपर नॉइस होती कैसी है, तो आप जो ओरिजिनल इमेज का जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ओरिजिनल इमेज का जो ये साइड में ब्लैक वाला पोर्शन है आईज के साइड में, इसमें अगर आप जो बीच बीच में डॉट देख रहे हो व्हाइट कलर के, इन्हीं को कहा जाता है क्या, सॉल्ट एंड पेपर नॉइस। इसको आप यहां पर देखिए मीडियन फिल्टर में, तो इसने पूरी तरह से इसे रिमूव कर दिया है गाइस, इसी को आप मीडियन फिल्टर कहते हैं। और ये वर्क कैसे करता है मैं आप लोगों को अभी समझा दूंगा, बट अगर आप ओरिजिनल इमेज के साथ इसे कंपेयर कराओगे तो रिजल्ट मच बेटर देन गॉसियन फिल्टर। गॉसियन फिल्टर से भी ज्यादा बेटर रिजल्ट आए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो साइड की वैल्यू है वो कितनी क्लियर कर दी है इसने। तो ये कौन कर रहा है, आपका मीडियन फिल्टर। इसे भी बंद कर देते हैं गाइस, जितनी भी मेरी इमेजेस थी मैंने अभी सबको क्लोज कर दिया है। मैं आपको वर्किंग समझाता हूँ कि वर्क कैसे करता है। तो मीडियन फिल्टर क्या करता है, आपका कंप्यूट द मीडियन ऑफ ऑल द पिक्सल अंडर द कर्नल। कर्नल में जितने भी पिक्सल है वो सबका क्या करेगा, आपका मीडियन वैल्यू निकालेगा। आपने देखो यहाँ पे कर्नल पास कर रखा है, कर्नल की वैल्यू क्या है आपके 5 है, गॉट इट। उसके बाद आप क्या करेगा, निकालने के बाद जो सेंट्रल पिक्सल है वो उस अपनी मीडियन वैल्यू से उस सेंट्रल पिक्सल को रिप्लेस कर देगा। मतलब कि जो भी आपकी इमेज बन रही है, इमेज को आपकी जो सेंट्रल पिक्सल होगा उस पोर्शन का, उसे आपके मीडियन वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। और वो मीडियन वैल्यू कहाँ से आएगी, आपके कर्नल के पास से आएगी, जो इस टाइप का कर्नल आपने पहले बनाया था। बट ये कर्नल तो आपने सिर्फ 2D फिल्टर के साथ यूज करा है, इसी तरीके का कर्नल यहाँ पर खुद ब खुद बन चुका है, आपको एक्सटर्नली बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट आप यहाँ पर क्या वैल्यू पास करो, लाइक 5x5, यहाँ पर भी 5x5 पास कर रखा है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कर्नल कैसा पास करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर गाइस आपका क्या मीडियन फिल्टर कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर लिखा भी है इट इज हाईली इफेक्टिव इन रिमूविंग सॉल्ट एंड पेपर नॉइज। इस तरह की अगर कोई साइज होगी, वो सॉरी नॉइज होगी, तो ये इजिली रिमूव कर देता है।
और एक चीज जो याद रखोगे आप हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा लो, जब भी आप मीडियन फिल्टर पास करते हो तो कर्नल का साइज आपको ऑड रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर इवन रखोगे, लाइक मैंने 6 रख दिया, मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा तो देखो मेरे रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं। बेसिकली मेरा जो मीडियन वाला है उसकी वजह से मेरे बाकी कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं गाइस। बट आपको जो एक चीज है वो यही याद रखनी है कि आप कभी भी ये वाला पॉइंट जो आपको दिख रहा है 6, जो यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख दी, इसे आप कभी इवन नहीं रखोगे। ये आपका क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ऑड वैल्यू होनी चाहिए। आप इवन वैल्यू कभी नहीं रखोगे अपने पास से। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और वन रखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये अपने आप से ही वन होता है। एट लास्ट गाइस जो फिल्टर आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा वो है आपका बायलैटरल फिल्टर। बायलैटरल फिल्टर को मैंने क्या कर रखा है, एक वेरिएबल में स्टोर करा रखा है, आपको दिख रहा होगा तो bi_f। वैसे तो सभी को वेरिएबल में स्टोर करा रखा था, बट इसे मैंने bi_f नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रखा है। ये क्या करता है गाइस, इट इज हाईली इफेक्टिव एट नॉइज रिमूवल व्हाइल प्रिजर्विंग द एजेस। यहाँ पर साइड में एजेस लिखा है तो मैं इसे अभी हटा नहीं पा रहा हूँ, आप लोग देख लेना बाद में इसे डाउनलोड करके। यहाँ साइड में लिखा है एजेस, ये बेसिकली आपकी नॉइस को तो रिमूव करेगा बट उसके साथ साथ आपकी जो एजेस होती हैं फिगर की उन पे ज्यादा अच्छे से काम करता है। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम गॉसियन फिल्टर की तरह काम करता है, बट ये ज्यादा फोकस करता है एजेस की नॉइस पर, कि ये एजेस को कैसे शार्प करे। लाइक आपकी कोई भी इमेज जो उसकी एजेस होंगी तो ये उन पे ज्यादा अच्छे से काम करेगा। आर्ग्यूमेंट क्या क्या करता है ये, एक्सेप्ट सबसे पहले इमेज, जिस इमेज पे इसे ऑपरेट होना है, उसके बाद आपके नेबर्स पिक्सल का डायमीटर, जो भी आपके नेबर पिक्सल होंगे जिस इमेज में आप काम कर रहे हो तो कितने में पिक्सल्स को लेके चलेगा उसका डायमीटर बता दो। तो बोला 9 या 10, जो भी आप पास करना चाहो आप कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन में जो एक ब्रीफ वैल्यू है वो 9 है। उसके बाद है सिग्मा कलर और सिग्मा स्पेस। सिग्मा कलर का मतलब क्या है कि आपके जो पिक्सल्स है उनकी कलर वैल्यू का डिस्टॉर्शन क्या है, और स्पेस का मतलब है कि वो कितनी कितनी वैल्यू से सेपरेटेड है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये दोनों सेम ही होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में 75 कंसिडर करा गया है गाइस, आप लोग इसे 50 से 100 के बीच में कुछ भी रख सकते हो, इट्स अप टू यू गाइस। तो ये मेरे सारे फिल्टर यहाँ पर आ गए, अब मैं इन्हें ऑपरेट कराता हूँ और आप लोगों को अच्छे से ऑब्जर्व कराता हूँ गाइस। तो ये देखो मैंने इसे ऑपरेट करा दिया, अब मैं इसे वन बाय वन ओपन करता हूँ। दिस इज माई ओरिजिनल इमेज, ये मेरा होमोजीनियस फिल्टर था। कैसा फिल्टर था गाइस, मेरा होमोजीनियस फिल्टर। तो इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। और गाइस आपको फिल्टर के साथ फिल्टर को कंपेयर नहीं कराना है, आपको ओरिजिनल इमेज को कंपेयर कराना है। ये है आपका ब्लर फिल्टर। ब्लर के बाद मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को, गॉसियन। तो गॉसियन को भी मैं यहां पर लिख लेता हूं। आफ्टर दैट गॉसियन वी आर वर्किंग ऑन मीडियन फिल्टर। और मीडियन फिल्टर के बाद जो लास्ट आया था आपका वो था आपका बायलेटरल फिल्टर। तो अगर आप बायलेटरल फिल्टर को देखोगे गाइस ओरिजिनल से कंपेयर कराओ तो ये एजिस पे काफी अच्छे से काम कर रहा है। लाइक अगर आप यहाँ पर इसकी आईब्रोज का शेप देखोगे तो वो बाकी जितने भी ब्लर इफेक्ट है उनसे ज्यादा बेटर है। बाकी इसने जो नॉइज है वो कम रिड्यूस करा है क्योंकि नॉइज पे ये स्लोली वर्क करता है, बट अगर मैं बात करूं आपके एजिस की तो एजिस पे ये काफी अच्छे से फोकस करता है। तो गाइज आई होप यार आप लोगों को सारे फिल्टर्स काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी के लिए क्लोज करते हैं इसे और मैं कोई एक नई इमेज लेता हूँ, उस इमेज पे आप लोगों को ऑपरेट करके दिखाता हूँ। तो मेरे पास एक और इमेज है, बस मैं यहाँ पर जाके उस इमेज के साथ इसका नाम चेंज करूंगा। उस इमेज का नाम है नॉइस टू। तो नॉइस टू मेरे पास एक काफी अच्छी इमेज है जिसमें काफी सारी नॉइज है, तो आप उसमें भी सारे फिल्टर का कंपैरिजन देख सकते हो। मेरा मोटिव यही है कि यार मैं आपको अच्छे लेवल पे चीजें ऑब्जर्व कराऊं सो दैट आपको चीजें काफी बेटरली समझ में आए। तो देखो मैंने इसे ऑपरेट कराया, ये थी मेरी ओरिजिनल इमेज। अगर आपको दिख रहा होगा तो इसमें कितना नॉइज है, इसमें एजेस भी काफी सारी हैं, तो आप लोग इजीली कंपेयर करा सकते हो। तो यहाँ पर देखोगे इस ओरिजिनल इमेज को अच्छे से ऑब्जर्व करो, जब मैंने ओरिजिनल इमेज पे 2D फिल्टर लगाया या फिर होमोजीनियस फिल्टर लगाया तो उसका रिजल्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या हुआ। उसने काफी अच्छे से इसे ब्लर करा है और मुझे काफी अच्छे लेवल पे अपनी इमेज प्रोवाइड कराई है। बट जब मैंने ब्लर मेथड लगाया तो ब्लर मेथड ज्यादा ब्लर है एज कम्पेयर टू होमोजीनियस। इसने आपकी जो पिक्सल वैल्यूज थी उसे डिस्टॉर्ट कर दिया है। फिर मैं आया था गॉसियन के पास। गॉसियन में अगर आप देखोगे तो इन दोनों से बेटर रिजल्ट आए हैं, इन दोनों से आपके बहुत बेटर रिजल्ट आए हैं गॉसियन फिल्टर में। इसमें आपका नॉइज भी प्रॉपर रिमूव हुआ है, बट अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे कि जहां पर ब्लैक ब्लैक सा कलर है वहां पर आपकी नॉइज अच्छे से रिमूव नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी सॉल्ट एंड पेपर नॉइज थी, उसे हैंडल करने के लिए ब्लर मेथड। तो ब्लर मेथड ने, सॉरी ब्लर बोल रहा हूँ, मीडियन ब्लर फिल्टर ने उसे बहुत अच्छे से हैंडल करा है और आपकी इमेज को काफी बेटरली इंप्रूव कराया है। बट जो सबसे अच्छा रिजल्ट आया है यहाँ पर वो है आपका बायलेटरल फिल्टर। अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर हर एक एज काफी शार्प दिख रही है एज कम्पेयर टू अदर इमेजेस। हर एक एज, लाइक आप इसकी नोज की एज देख लो,
आईज देख सकते हो आप इस इमेज की, या फिर हेयर का लुक देख सकते हो। तो जो एजिस पे काम कर रहा है वो एजिस पे बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरा बायलेटरल फिल्टर ने, और समहाउ नॉइज भी इसने रिड्यूस कर ही दिया है। तो यार ये थे आपके डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स, आई होप यार आप लोगों को समझ में आए होंगे, और मैं इसे अभी के लिए सबको बंद कर देता हूँ। गाइज वन मोर थिंग, जाते जाते मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, और वो चीज क्या है कि आपके इतने सारे फिल्टर्स थे, सपोज करो यहाँ पर अभी 6 to 7 फिल्टर्स थे, बट कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम पड़ जाती है कि आपकी इमेजेस ज्यादा हो जाए, तो आप क्या लोगे, मैटप्लॉटलिब की हेल्प ले लोगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आप अपने इमेजेस को प्लॉट कैसे करा सकते हो। तो प्लॉट से क्या होता है, जैसे कि मैं अभी आपको इमेजेस ओपन कर करके दिखा रहा था, आप उससे बच जाते हो। आप क्या प्रॉपर, ये रहा आपका कोड, आप ऑब्जर्व करो, मैं समझा देता हूँ बस इसे आपको फटाफट से। आपने क्या करा, जो भी इमेज लेनी थी उसका टाइटल ले लिया, जैसे कि ओरिजिनल इमेज होमो, ओके यहाँ पे मैंने होमोजीनियस को होमो लिखा है, ब्लर, गॉसियन, मीडियन एंड बायलेटरल, ये हो गए टाइटल। और ये एक इमेज में आपने सारी एक इमेज नाम के किसमें लिस्ट में, जो कि आपका वेरिएबल था, उसमें सारी इमेजेस ले ली है। ये आपकी नॉर्मल इमेज है, ये आपकी सिंपल होमोजीनियस फिल्टर है, ये ब्लर है, ये गॉसियन है, ये मीडियन है एंड ये बायलेटरल है। जब ये सबको आपने यहाँ पर कैरी कर लिया है, इसके बाद आप सिंपल मैटप्लॉटलिब की हेल्प से इसे प्लॉट कराओगे। क्या बोल रहे हो, टोटल कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू को आप 2 रो और 3 कॉलम्स में प्रिंट कराने वाले हो। तो ये चीज मैंने आपको कल भी समझाई थी, से प्रीवियस वीडियो में भी समझाई थी, तो मैं इसे ऑपरेट करके आप लोगों को बस दिखा देता हूं। मैंने ऑपरेट कर दिया गाइस, और आप जाओगे अपने प्लॉट के पास। अगर आप स्पाइडर का कोई एडवांस वर्जन यूज कर रहे हो तो ये प्लॉट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपकी जो इमेजेस है वो यहीं पर ही प्रिंट हो जाएंगी। गॉट इट, प्रीवियस वर्जन में। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो क्या बोला था मैंने, 2 रोज और 3 कॉलम, तो 2 रोज बनी है और 3 कॉलम बना है, और सारी की सारी इमेजेस यहाँ पर आके प्लॉट हो गई है, और साथ साथ मेरी ये इमेजेस भी ओपन हो गई है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। कोई अगर आपसे आउटपुट रिजल्ट मांगते हैं तो बेटर ये होगा कि आप उसे यहाँ पर प्लॉट करा के दो, ये ज्यादा इफेक्टिव रहता है इंस्टीट्यूट ऑफ गिविंग दी इमेज लाइक दिस। तो फ्रेंड्स आई होप यार आप लोगों को सारे के सारी स्मूथनिंग टेक्निक समझ में आई होगी, और इन इसके बाद सीरीज में मैं इन सबका काफी अच्छा यूज करने वाला हूँ। तो यार मेक श्योर कि आप लोग इसे अच्छे से समझे। ये कोड, ये इमेजेस आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, गिटहब पे जाके आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले यार वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो गाइस फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, टिल देन थैंक यू, बाय बाय गाइस।